हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और जैसे ही आप टिकटॉक ओपन करेंगे तो आपको फॉर यू पेज में 50 से 60% वीडियो आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो देखने को मिल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा टिकटॉक के प्रोफेशनल स्लो मोशन प्लस ट्रांजेक्शन इफेक्ट वाले वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्ट एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको दो वीडियो शूट करना पड़ेगा अलग अलग पार्ट में। तो जब भी शूट करेंगे तो आउटडोर शूट कर लेना है और बैकग्राउंड में आपको पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से मैंने वीडियो को शूट किया हूँ। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, वीडियो क्लिप पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपको बाहर आ जाएगा। मीडिया पर क्लिक करना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे अलग अलग पार्ट में उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट का वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो को आपको प्ले कर कर देख लेना है, वीडियो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, टीम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है। वीडियो यहाँ पे आपको स्लो मो हो जाएंगे। इसके बाद आपको वीडियो को यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड के आसपास आपका चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड तक आसपास रहने देता हूँ, तो 5.0 तक रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट कर देना है। इस ऑडियो वाले लेयर पर क्लिक करना है, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो पर क्लिक करना है और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि आपको ग्रीन स्क्रीन खत्म हो रहा है, यहीं तक का आपका सीन चाहिए। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका सेकेंड वीडियो लेकर आना है, मीडिया पे आना है और वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था रिमूव हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करेंगे, इस वीडियो को आपको स्लो मो करना है, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और यहाँ पे आपको 0.5 सेलेक्ट कर देना है। वीडियो आपका ये स्लो मो में हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका सीन जो है 2 से 3 सेकेंड तक चाहिए। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे और कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद सेकेंड वीडियो में जो लास्ट का कुछ ग्रीन स्क्रीन होगा सीन, वो ग्रीन स्क्रीन आपको रहने देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा पार्ट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट का कुछ मैं ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैच हो चुका है। वीडियो में जितने भी आपको वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना है। तो सिंपल, मैं सबसे पहले म्यूट कर देता हूँ। मैंने सारे वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इस बीच में आपको ट्रांजेक्शन देना है। तो सिंपल, इस बीच पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है एक्सीलेशन का। एक्सीलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्पीड इन या फिर स्पीड आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपके काइनमास्टर एप्लीकेशन में एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो गेट मोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको काइनमास्टर स्टोर पे आना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि यहाँ पर भी आपको एक्सीलेशन का ऑप्शन नहीं आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मैं जो काइनमास्टर एप्लीकेशन यूज करता हूँ उस काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक मैं दे दूंगा। इसके बाद इसे हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद सेकेंड इसे हम डन कर देना है। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर आएंगे और यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन देना है। तो फिर से हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक्सीलेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जब फर्स्ट में हमने स्पीड इन सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको स्पीड आउट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन देना है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, एक्सीलेशन पर आएंगे और यहाँ पर आपको स्पीड डाउन या फिर स्पीड अप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पीड अप सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको हल्का बड़ा बड़ा कर देना है।
आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो मो ज़्यादा मैंने कर दिया था, तो इसे हम थोड़ा हल्का इस तरह से बड़ा कर देना। तो देख सकते हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। ये वीडियो का कलर बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, इस वीडियो पे मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। आपको एक बार वीडियो को प्ले कर कर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पे स्लो मो हो स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट वाले वीडियो हमने कुछ इस तरह से शूट किया था, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। और देख सकते हैं लास्ट वाला वीडियो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। और इस वीडियो में मेरा ऑलरेडी सॉन्ग ऐड है। यदि अदर कोई सॉन्ग ऐड करना चाह रहे हैं तो लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। और जिस वीडियो से आपको सॉन्ग को ऐड करना है तो सिंपल वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है और वीडियो को आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे ऑडियो ऐड हो चुका है, तो मैंने ऑडियो को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑडियो ऐड है। इस तरह से आप एक्स्ट्रा साउंड भी ऐड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑडियो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्स्ट्रा साउंड को ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।